हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी इस ड्रामा का नेक्स्ट एपिसोड। और अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग ड्रामास की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एपिसोड 26 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि स्कूल में मीचे सोयांग को इग्नोर करने की कोशिश करता है, पर सोयांग उससे हेल्प करने की कहती है पोस्टर निकालने में, तो मीचे उसकी हेल्प करता है। सोयांग के जाने के बाद मीचे खुद से कहता है, मैं खुश हूँ कि सोयांग सेल्फ अवेयर नहीं है। इधर जुदा म्यूजिक रूम में दोवा का वेट करती है। जब दोवा वहाँ आता है तो जुदा उसके साथ अपनी ईयरबड शेयर करती है। जुदा क्लासिकल सॉन्ग सुन रही थी, पर वो दोवा से कहती है कि उसे उसका वर्जन ज्यादा अच्छा लगता है। दोवा उससे कहता है, तुम हमेशा मुझे होप क्यों देती हो कि तुम मुझे लाइक कर सकती हो, पर एनीवे तुम्हें ये सब याद नहीं रहेगा स्टेज स्टार्ट होते ही। जुदा दोवा से कहती है, प्लीज तुम होपफुल रहो, मैं भी खुद को चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद दानो दोवा को सीक्रेट बुक रीड करते और नामजू को प्रेस करते हुए देखती है। दानो उससे कहती है, तुम नामजू को प्रेस कर रहे हो, तुम बिल्कुल A3 के मेंबर लग रहे हो। दोवा कहता है, मुझे वियर्ड फील होता है जब भी मैं जुदा को देखता हूँ तो। पर जब दोवा बुक का नेक्स्ट पेज रीड करता है तो उसे पता चलता है कि नामजू और जुदा जल्दी ही ऑफिशियली डेट करने वाले हैं। टियरफुल वे में दोवा कहता है, स्टोरी बोरिंग होती जा रही है और कैरेक्टर्स की लाइंस हॉरिबल होती जा रही है। दानू उसकी बात पर एग्री करती है और वो दोनों मिलकर राइटर पर चिल्लाते हैं और कहते हैं, ये सब करना बंद करो। देन पेज टर्निंग साउंड आती है और स्टेज स्टार्ट होती है, जहां नामजू जुदा को ऑफिशियल डेट करने की पूछता है। जुदा सिंपली हाँ कह देती है और हैप्पी हो जाती है, पर हैप्पी सिर्फ तब तक ही होती है जब तक स्टेज एंड नहीं होती। स्टेज के एंड होते ही जुदा अपसेट हो जाती है। स्कूल हॉलवे में दोवा क्योंग से मिलता है और उससे कहता है, क्योंग हमने तुम्हारी स्टेज चेंज करके तुम्हें एम्बेसमेंट से बचा लिया, नहीं तो तुम्हें दानों को प्रपोज करते टाइम पब्लिक के सामने सीधी लाइंस कहनी पड़ती। क्यों गुस्से में दोवा से कहता है, वो मेरी स्टेज थी और तुम्हें कोई राइट नहीं है मेरी स्टेज चेंज करने का। क्यों की बातों से दोवा हर्ट फील करता है, इसलिए वो हारू के पास जाकर उसके शोल्डर पर सर रखता है, पर हारू बार बार स्लाइड करता है, पर दोवा कहां मानने वाला, वो उसके शोल्डर पर सर रख ही लेता है और कहता है, अब मैं समझ गया कि दानू तुम्हें लाइक क्यों करती है, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो, इवन तुमने उसके लिए स्टेज चेंज कर दी। जूनियंग वहां से निकलता है और उसकी थोड़ी सी बात सुन लेता है स्टेज चेंज के बारे में। दोवा जूनियंग को क्योंग की प्रपोजल स्टेज चेंज करने के बारे में सब बता देता है, ये सोचकर कि वो सब भूल जाएगा स्टेज स्टार्ट होते ही। जूनियंग स्टेज चेंज के बारे में सुनकर हारू को घूरने लगता है। जूनियंग अगेन हारू से मिलता है और गुस्से में उससे कहता है, तुम क्योंग को अकेला छोड़ दो अपने और सबके भले के लिए। पर जब वो क्योंग को वहाँ आते हुए देखता है तो स्माइल के साथ हारू से कहता है, तुम क्योंग के साथ अच्छे से रहो, उसके साथ फाइट नहीं करना। क्योंग उनके पास आता है और कहता है, तुम दोनों बहुत ही अनोइंग हो। देन क्योंग अपना प्रॉमिस तोड़ देता है और हारू से जाकर कहता है, तुम स्टेज चेंज कर देते हो जब तुम्हारा मन करता है, पर तुम्हें पता है इससे क्या हुआ, थैंक्स टू यू तुम्हारी वजह से दानू की सर्जरी होने वाली है। क्योंग दानू की सर्जरी के लिए ब्लेम हारू को इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने स्टेज चेंज की, इस वजह से दानू क्योंग का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पाई और वो बेहोश हो गई थी और इससे उसकी हार्ट कंडीशन और ज्यादा खराब हो गई। क्योंग उससे कहता है, मुझे पता चल गया कि तुम स्टेज चेंज कैसे करते हो, इसलिए अब तुम स्टेज चेंज नहीं कर पाओगे। रात के टाइम क्योंग दानू का वेट करता है उसके घर के बाहर। दानू वहाँ पहुँचती है और उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। क्योंग कहता है, मेरे पास सिर्फ तुम ही हो जो रियल हो, बाकी मेरे फैमिली और फ्रेंड्स सब फेक हैं, और जो मेरे साथ रियल थे वो मुझे छोड़कर चले गए, इसी वजह से मैं खुद को तुम्हें लाइक करने से रोकता रहा हूँ क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मैं तुमको खो ना दूं। दानू क्योंग को आगे कहने से रोक देती है और कहती है, तुम्हें पता है मैं किसी और को लाइक करती हूँ। क्योंग कहता है, तुम मुझे स्टेज पर लाइक करती हो और स्टेज मेरे लिए रियल है। दानू ये बात एडमिट करती है कि अगर वो सेल्फ अवेयर नहीं होती तो वो आज भी क्योंग को ही लाइक करती,
पर अब सब कुछ डिफरेंट है। क्यूंग चिल्लाकर कहता है, मैं केयर नहीं करता कि तुम क्या फील करती हो, क्योंकि हारू की तरह मैं भी तुम्हारा फेट चेंज कर सकता हूँ और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं स्टोरी चेंज कर दूंगा। इसलिए जस्ट वेट एंड सी, तुम खुद मेरे पास आओगी, चाहे वो रियल हो या फेक। हारू को कई वार्निंग्स मिल चुकी हैं मीचे और क्योंग से कि वो दानों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो इस वजह से हारू दानों के लिए ओवर प्रोटेक्टिव बॉयफ्रेंड मोड में आ जाता है। जब हारू दानों से मिलता है तो उससे पूछता है, क्या तुम्हारी हार्ट सर्जरी होने वाली है? दानों कहती है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हारू दानों को हक कर लेता है। अब जब हारू ओवर प्रोटेक्टिव बॉयफ्रेंड बन चुका है तो वो दानों से 1 इंच भी दूर नहीं होता और उसको छोटे छोटे डेंजर से भी बचाता है, जैसे आर्ट पेंसिल्स, वाटर स्प्लैशिंग, और हर मिनट दानों से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? दो वा अगेन जुदा से म्यूजिक रूम में मिलता है। जब जुदा उन शूज के बारे में बात करती है जो दो वा ने उसे दिए थे, तो दो वा को रियलाइज होता है कि जुदा को शेडो याद है। जुदा दो वा को कन्फर्म करती है कि वो सेल्फ अवेयर हो गई, वही बात कहकर जो दो वा ने नामजू की बर्थडे पार्टी में उसे प्रपोज करते टाइम कही थी, तुम इस मोमेंट को याद रखना। पर जुदा दो वा से उसके सेल्फ अवेयर होने की बात को सीक्रेट रखने को कहती है, क्योंकि वो चाहती है कि उसे सिर्फ दो वाई याद रखे। दानू हारू के साथ घर जाने का प्लान बनाती है, पर उसका प्लान रुइन हो जाता है अनएक्सपेक्टेड स्टेज की वजह से। दानू मिरर में खुद को देखकर नोटिस करती है कि अचानक से राइटर ने उसे कुछ ज्यादा ही सिक बना दिया। क्योंग दानू के पास आता है और वो उसे बीमार देखकर अपना कोट देता है और उससे घर छोड़ने की भी कहता है। दानू उससे कहती है, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे लाइक करते हो। क्योंग कहता है, मैं तुम्हारी इलनेस को हेट करता हूँ, ना कि तुम्हें, और अपने फादर को हेट करता हूँ जो तुम्हारा यूज कर रहे हैं सिर्फ बिजनेस के लिए। दानू कहती है, मैं सर्जरी कराना नहीं चाहती, क्योंकि सर्जरी के बाद वो क्योंग को स्कूल में नहीं मिल पाएगी। क्योंग उससे प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। स्टेज के एंड होने के बाद दानू क्योंग का कोट थ्रो करके चली जाती है, पर क्योंग उसे फॉलो करता है। दानू सोचती है, मेरी सर्जरी की स्टेज कब स्टार्ट होगी जो मैंने स्टोरी बोर्ड विजन में देखी थी। दानू क्योंग से कहती है, जितना टाइम गुजरता जा रहा है मैं उतना ही अपने सेटअप कैरेक्टर से डिफरेंट होती जा रही हूँ। क्योंग कहता है, पर मैं तो अपने कैरेक्टर में ज्यादा ही जाता जा रहा हूँ, मुझसे ज्यादा अच्छे तो मेरी फीलिंग्स राइटर को पता है, बस मुझे वन थिंग पता है, अगर तुम भी मुझे छोड़कर चली गई मेरी मॉम की तरह, तो मैं कभी रिकवर नहीं कर पाऊंगा। मुझे पता है मैं सेल्फिश हूँ, पर क्या तुम इस बार भी मुझे जीतने दोगी? तुम सर्जरी करा लो। देन दानू फाइनली फ्री होकर हारू से मिलती है क्लासरूम में। हारू अगेन उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? दानू कहती है, तुम पूरे दिन से मुझसे यही पूछ रहे हो। हारू बहुत अपसेट लगता है और वो दानू से कहता है, मुझे तुम्हारी चिंता है क्योंकि तुम सिख हो। दानू कहती है, अगर मैं सिख हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ सैड रहूं, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने अपना फर्स्ट लव एक्सपीरियंस किया। हारू उससे कहता है, पर मैंने तुम्हें अनदर स्टोरी में मरते हुए देखा। दानू कहती है, अब सब कुछ डिफरेंट है। हारू कहता है, पर वो स्टोरी खुद को रिपीट कर रही है सीक्रेट बुक में, और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए मैं स्टोरी चेंज करके रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। दानू समझ रही है कि ये सब थिंग्स हारू को बहुत हर्ट कर रही हैं, इसलिए वो उससे कहती है, तुम्हें स्टोरी चेंज करने की जरूरत नहीं है, और दानू टर्न हो जाती है जिससे हारू उसके आंसू ना देख पाए, पर हारू उसे हक कर लेता है और कहता है, दानू मुझे तुम्हें खोने का डर है। देन हारू दानू को घर छोड़ने जाता है। दानू उससे कहती है, तुम मीचे की बात नहीं सुना करो, वो बस प्रीवियस स्टोरी बताकर तुम्हें डरा रहा है। देन जब दानू अंदर चली जाती है तो उसे ये नहीं पता होता कि हारू उसे देख रहा है, और वो राइटर से कहती है, मैं सच में स्टेज चेंज करना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ। हारू दानू की बात सुन लेता है। नेक्स्ट डे दोवा हारू को बताता है कि उसके ब्रदर डॉक्टर ली ने दानू की सर्जरी की डेट फिक्स कर दी और वो दानू को इसके बारे में इन्फॉर्म आज रात कर देंगे। हारू दोवा से कहता है, मैं स्टेज चेंज करना चाहता हूँ, तो दोवा हारू की हेल्प करने के लिए A3 के रूम में जाता है कुछ लेने। क्योंग दोवा की बात से समझ जाता है कि हारू स्टेज चेंज करने वाला है। फिर क्योंग लाइब्रेरी में जाता है सीक्रेट बुक लेने, पर बुक सेल्फ में नहीं होती, तभी लाइट भी चली जाती है। क्योंग मिस्टेकनली हारू के हिडन कॉर्नर में पहुंच जाता है, वहां वो दानों के स्केचेस देखता है जो वॉल पर स्टिक हैं।
क्योंग ब्लैक होल में फ्लावर बुक का सीन देखता है जब हारू ने दानू से कहा था कि क्योंग उसके लिए खतरा है। फिर नेक्स्ट फ्लावर बुक का सीन देखते हैं जहां प्रिंस क्योंग को हारू के सामान से दानू की ड्राइंग मिलती है और वो हारू से सब एक्सप्लेन करने को कहता है। हारू कहता है तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा, तुम ये सब बंद करो और दानू को जीने दो और प्लीज तुम इस कन्वर्सेशन को याद रखना, नहीं तो हम एक दूसरे के अगेंस्ट हो सकते हैं। और फिर फ्लावर बुक का सीन एंड होता है दानो की डेथ से। देन प्रेजेंट में ब्लैक होल से रेड फ्लावर निकलकर फ्लोर पर गिरता है। क्योंग उसे उठाता है और चौक जाता है जो उसने अभी देखा उससे। और एपिसोड 26 यही एंड होता है।